लिए बनाया वैश्विक गया है। मुद्दा है हाँ, बिल्कुल, ये तो सबको पता, मोरनी से पहले हमारे साथ ये जुड़ी छोटे इनको मोटे पता मुद्दों अच्छी पे बात ना की जाए, और युद्ध भी अगर ये आपका कोई सवाल नहीं, और सभी नहीं, नहीं, सभी मैं बताता हूँ। देखिए मैं मोरनी मोरनी की वो शायद वाजिब है, लेकिन वो ध्यान, अरे वो थोड़ी देर पहले वो लड़की नहीं आई थी जो दूध का ग्लास लिए यहाँ सारे स्पीकर के सामने घूम रही थी, जिसने वो ट्वीट भी किया। हाँ, 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 हाँ। वो यहाँ पर आके स्पीकर भी बनी थी। मैं मेरे से मिस हाँ, हो गई थी, जो मेरे से मिस हो गई थी, वो डीएम में भी मेरे से हाँ, बात कर सकती है। दूध का ग्लास लिए घूम रही थी लेकिन उसको लड़का नहीं मिल रहा, उनको आदत हो गई होगी, तो होता उनके परिवार में होता, 3-4 लोगों को पिलाना पड़ता है। हाँ, तो ये जो टार्ड वाली लड़की है ना, वो उसी की दोस्त है मोरनी, छोड़ उसको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इन लोग का जी जी। और ये सभी जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीकर बन रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया साइंटिफिक टेम्परमेंट को बनाए रखिए और मुद्दे से भटकना नहीं है हमें। पर्सनल मत लो आप लोग, हाँ थोड़ा सीरियस होके, योद्धा भी अगर आपका सवाल हो गया हो तो आप प्लीज शांति बनाए रखें, अपनी मैच्योरिटी का पूरा, अपनी मैच्योरिटी और अनुभव का लोगों को अवगत कराएं। रुचन भाई जी जी, एक ये कोई ध्रुमी करके हैं, हाँ हाँ, मैं इन्हीं को, मैं इन्हीं से, इन्हीं से बात करने जा रहा था, तब तक माँ की बात चली गई। ध्रुमी मैम नमस्कार। जी जी, मेरा एक सवाल था जी मैम, के आपने एलजीबीटी के बारे में बोला, आपने एलजीबीटी के बारे में बोला कि गे व्यक्ति आधा आधा करके ले सकते हैं, तो लेस्बियन व्यक्ति क्या करे? सेम प्रोसेस तो सेम होना चाहिए। बाकी फुसी भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। मैम जैसे फुसी भाई बताने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने, जैसे कि मैंने, हाँ जैसे कि मैंने बोला, अब सवाल करके आप चले जाएं लिसनर में, जवाब दे रहे हैं टीपीआई, फुसी दे रहे हैं, फिर बुला देंगे। हर रिलेशन में एक एग्रेसर होता है, तो लेस्बियंस में भी दो है तो एक एग्रेसर होगी, तो आप उनको दीजिए। मैं भी जवाब देना नंबर वाइज, नंबर वाइज आते हैं, और बुल्ला भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आते हैं। आप दो गिलास यूज कर सकती हैं, दोनों में आप मतलब गिलास फुल रखिए, एक दूसरे को पिला सकती हैं। सद्भावना बिल्कुल बेहतर, तो, दो गिलास हाँ, और हाँ, जरूरी नहीं है कि एक गिलास हो, आप दो गिलास भी यूज कर सकते हैं, दोनों लेके आ सकते हैं। दो दरवाजे रखिए अपने, और दो दरवाजे रखिए, एक से आपकी पार्टनर आए, एक से आप आए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दबाने वाली बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया, गोलू एक गिलास दो स्ट्रो, बड़ा ही रोमांचक माहौल की बात नहीं होती है। देखिए ग्लास मतलब ग्लास, स्ट्रो स्ट्रो से पीना मतलब, ये पैनल पैनल के स्पीकर सोच जा रही है, पैनल के स्पीकर आपस में ना लड़े। गोलू आप बताएं, और सूजल भी है शायद नीचे, उनको एक बार सूजल भी आएंगे सवाल पूछने। गोलू आप सूजल, सूजल भाई को हम लोग लेंगे, प्लीज प्लीज। ध्रुमी आप चले जाए लिसनर में प्लीज। मैं ये बोलो, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे योडा बेबी ने जो विकल्प रखा इन्होंने दूध के पाउडर का, तो ये संभवतः प्रकृति ने उस दूध के पाउडर का निर्माण इन्हीं लोग मतलब लेस्बियंस के लिए ही किया है, कि वो चूने के तरी जैसे, हाँ वो क्या कहते हैं, चूना छिड़का जाता है, वो छिड़काव करके और उसके बाद से आराम से आनंद ले सकते हैं। और एक लाइन जोड़ दूं मैं इसे, मैं किसी ने लिखा था कि वो चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब एलजीबीटी अब आधा पी लें, दो ग्लास ले लें, ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। क्यों गोलू जी, तो मतलब वो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जब कटना ही है उसी चीज को किसी तरीके से गिरे, वही वो एलजीबीटी के लिए स्वतंत्र है, तो वो दूध के लिए भी स्वतंत्र है, वो किसी भी तरह से पी सकते हैं। जी सूजल भाई आप माइक पकड़ लें प्लीज, आ जाएं, और तब तक प्री मैं सूजल को बात, मैं सूजल को लेता हूं बात। जी जी प्री मैम बताएं, ये मानस सिंह जी जुड़े हमारे, ये मानस सिंह जी जुड़े हमारे पास सोनी स्पोर्ट्स से, तो रुचान जी एक बार उनके विचार प्री, प्री मैं ले लेता हूं अभी। और जो स्पीकर पे सवाल करना है ना, प्लीज अपना सवाल देके वो बिना कुछ किसी से मतलब, ऐसा ना वेट ना करें कि होस्ट हटाए उनको, अपने से प्लीज चले जाएं आप लोग, बोलें प्री मैम। मैं नहीं पी सकती तो क्या सुहाग रात के दिन पे क्या होगा फिर? सॉरी एक बार फिर से रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आई पूरी। मैं समझ गया सवाल, उनका ये सवाल ये था, देखिए अगर नहीं भी पिएंगे तो कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप कार्यक्रम के लिए तैयारी बनाए रखें, दूध की देखिए पीने की प्री मैम, पीने का जैसे जैसे कोविड के टाइम में लोग जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनको समस्या तो है, लेकिन आप हर 10 सेकंड के बाद ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, तो वो मनोबल मिलता है कि ठीक है मेरा ऑक्सीजन सही है तो मैं रिकवर हो रहा हूँ, और जैसा खराब हो रहा है वो आगे फिर और चीज़ें लेने की कोशिश करता है। तो दूध मेरे ख्याल से उस समय बूस्टर है वो, ठीक है, एक तो आप अंदर से ही आपकी मनोदशा बेहतर हो जाती है कि ठीक है अब मेरे पास वो बूस्टर है, मैं परफॉर्म कर पाऊँ,
तो मेरे हिसाब से इस वजह से उसका यूज़ किया जाता है। बाकी आप नहीं भी करेंगे अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं खुद से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसका। थैंक यू जी। जी आप प्लीज एक बड़ा ही मनोरंजक सवाल चले जाएं, लिसनर में चले जाएं आप प्लीज। और नहीं अभी हमारे पास मैडम जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक बार सवाल ले लेते हैं, फिर हम लेंगे। ऐसे जब हमारे पास कोई रहेगा नहीं इस पर सवाल पूछने के लिए यहाँ पे। जी अब मैडम जी, मैडम मैडम जी हैं जी, सवाल पूछे मैम। आप हटा दें बुल्ला रुचन भाई, ये सारे शर्मा रही हैं मेरे का। अच्छा नहीं मैम, नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, प्रक्रिया प्रारंभ है। प्री मैम आप चले जाएं लिसनर मोड में प्लीज। यस ओके मैडम, मैम प्लीज। सर ये कार सुहागरात के दिन दूध पीने के बाद, वो जो सुहागरात के दिन ग्लास में दूध पीने के बाद आदमी क्या ही बताएं, क्या क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको भी कंक्लूड कर लेंगे। एक मिनट अज्ञानी जी, जी नहीं हम सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप और ये क्या करेंगे आप? शुरू होने से पहले ही क्लियर कर दिया था, यहाँ पे ना कोई सेक्स समस्याएं डिस्कस हो रही है, ना ही किसी की सेक्स के बारे में कुछ भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन आप सवाल, आप प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल अगर करेंगी तो प्लीज। कार्यक्रम का मतलब क्या है एग्जैक्टली? ये दिस इज वी आर लिविंग अप टू यू। जी मैं इस कि आप क्या करेंगे उसके बाद, आप करना क्या चाहेंगे आप दूध पीने के बाद? ये ज्ञानी भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो वो जो प्रश्न था उसमें कार्यक्रम का यही है, हो सकता है कि आप टेंट शामियाना घूम के ही वापस चले आए, तो जितना जो दोनों पक्षों की सहमति से होगा वही कार्यक्रम का मूल मतलब था। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता नहीं केवल यही आपका सवाल है। आप अपना सवाल करें अनुप्रिया जी, आपको कोई यहाँ पे मतलब आप परेशान ना हो उसको लेके। मुझे और ये पूछना था कि आपका पॉलीएमरी के ऊपर ओपिनियन क्या है? ये मैं पहली बार शब्द सुन रहा हूँ, मैं साफ साफ बता दूं, अगर किसी और के पास इसका ज्ञान हो तो आप दे दें। जी हम लोगों का कोई मत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हम मोनोगैमी या पॉलीगैमी यहाँ पर डिस्कस करना चाहते ही नहीं है। गलत तो गलत गलत जगह है मैम, आप गलत गलत जगह आप गलत जगह दूध के बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी जी हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हम लोग नहीं, मत दीजिए मत दीजिए मत दीजिए, बोलू आप जाने दीजिए, शालीनता बनाए रखे। बाकी अनुप्रिया मैम गोलू को आप डीएम कर देंगी, वो बता देंगे आपको। अश्लील नहीं, मैं दे दे रहा हूँ शालीनता। नहीं नहीं मत दीजिए अश्लील, नहीं नहीं बोलो वो नहीं, मैं दे रहा हूँ शालीनता से अवसर। ये कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ अनुप्रिया जी, देखिए अगर पॉलीगेमी है, बहुत सारे लोग हैं और संख्या कितनी भी बढ़ जाए, तो आप पोलियो ड्रॉप की तरह एक एक बूंद दो दो बूंद दूध दे सकते हैं और परंपरा का पालन करके कार्यक्रम जो आक्रमण वाला होगा उस स्थिति में निभाएंगे। चलिए ठीक है, आप मैम प्लीज चले जाएं लिसनर में। थैंक यू सो मच फॉर वो पॉलीगेमी को, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, गोलू को आप डीएम कर लें, वो ज्यादा वो ब्रीफ कर देंगे आपको चीजें। आप वो मेटाफोर था, कौन ब्रीफ करेगा? गोलू 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 जी गोलू जी उन्होंने हिंदी में अपना नाम लिखा, अगर आपने मेरे ख्याल से अनुप्रिया नाम है आपका, तो आप मेरे ख्याल से हिंदी जानती होंगी। चौथा ऊपर से चौथे नंबर पे गोलू जी प्लीज, गोलू गोलू लिख रखा उन्होंने, आप उनको एक बार डीएम कर देंगे, वो बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, गोलू को मैसेज कर दो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू। सुजल को ले लें, बहुत अपने प्यारे पुराने और प्यारे मित्र हैं। और एक बार पन ऑफ गॉड को ले लो भैया, उनका कोई सवाल है पन ऑफ गॉड का। चंबाई लेते हैं अपने पुराने लोग को। यार अज्ञानी भाई, यार अज्ञानी भाई ऐसा है ना कि सुजल को मैं मैसेज भी कर दे रहा हूँ, सुजल को हम लोग ले लेंगे, सुजल के लिए चिंता नहीं करते। सूजल हैं, मिश्रा जी हैं, इन लोग को हम लोग ले अपने लोग हैं। सिल्वर में कह रहा था, ये लोग से कह रहे थे सवाल के लिए, ये लिख के भेज रहे थे, मैंने कैसे बढ़िया आप खुद ही बोलने ज्यादा बेहतर। रिया जी आई थी, लेकिन रिया जी स्पीकर मैंने बनाया था, रिया जी ने पहले भी नहीं बोला। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से जो लोग हैं मैं उनको वो कर दूं।
ये एक्चुअली अनुप्रिया मैम ने टीपीआई के लिए बढ़िया बात लिखी थी, आप टीपीआई प्लीज आप पढ़ लें। मैंने रिक्रूट किया आपके लिए, आप मेरे टीएल पे पढ़ सकते हैं। अनुप्रिया आपको बहुत बहुत पहले से जान रही है मुझे लगता है वो। नहीं नहीं मैं सब कुछ देखता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ कर भी लेते हैं तो बढ़िया। किसी को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो तो अपने भाई के लिए पूछ रही होंगी वो, कोई बात नहीं होता। तो देखिए जो भी लिसनर में जिनको इंटरेस्ट आ रहा हो टीपीआई भैया को डीएम कर सकते हैं, सेवाओं की प्रारंभ में सीधा उल्टा ना है। हाँ, सीधा उल्टा नहीं देखते हैं वो, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, कोई बात परफॉर्म करना चालू कर देते हैं तो कृपया ज्यादा भावुक ना हो। आप एक बार रुचन भाई जो भी रिक्वेस्ट में अपने पास उनमें से किसी को आप उठा लें जो सवाल करना चाहे। और एक बात और है कि जिसको बोलना है यहाँ बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, मन था मिलेगा अपने विचार रखने का। अच्छा ये एक प्रश्न आ रहा है कि चूंकि ये वैश्विक स्तर की चर्चा है रुचन भाई, तो जो अफ्रीकी महाक्षेत्रों में मतलब महाद्वीप के जो निवासी हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर क्या दुविध असर देता होगा कि नहीं, और क्या चीज़ है कि जो मतलब वो बड़े ही सख्त होते हैं और लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। एक सवाल आ रहा है मैं पूछूं? हाँ हाँ चैंप भाई अभी जी सभी लोग पूछे हैं सवाल। एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर गिलास टूट जाता है तो दूसरा गिलास मंगा सकते हैं घर से? नहीं, ये आप शकुन हो जाएगा, आप बिल्कुल ना मंगाएं और आपके ऊपर भी संदेह हो जाएगा कि एक गिलास में इसका काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब पहले से तोड़ना क्या है, तोड़ क्या रहे हैं ये तो आपका बिल्कुल वो पता चल रहा कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है सही जगह पर। बाकी अब गोलू जी ये तो दो चीजें मिक्स हो जाएगी ना, कांच का टूटना शुकन होगा, दूध का टूटना अपशुकन होगा, तो अब तो रुचन भाई प्लीज इसका जवाब आप भी दें, मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगे थोड़ा। आप बिल्कुल रोक ही देना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। नहीं मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, मतलब यार ध्यान कहाँ रहना था और ग्लास टूट रहा है, केंद्रित करना चाहिए, सही बात। हाँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना ही नहीं चाहिए। जब हमारे बीच नई स्पीकर हैं, नाम नहीं लिखा है उनका, सनफ्लावर जी, वो बोलना चाहें। सूर्यमुखी खुद आई हैं, नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरा सवाल ये था कि दूध की जगह क्या हम दही शक्कर खा सकते हैं शुभ काम से पहले? मैम एग्जाम देने जाने से पहले करना चाहिए, हालांकि वैसे लॉजिकल तो है, सही बात है, परफॉर्मेंस प्रेशर दोनों हैंडल हो गए। जी नहीं क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड का प्रमाण ज्यादा होता है और दूध में लैक्टोजन का प्रमाण ज्यादा होता है, तो शारीरिक स्फूर्ति के लिए लैक्टोजन ज्यादा काम आता है लैक्टिक एसिड की जगह पे, जो जी नहीं, दही और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, दही शक्कर आप जो है वो जो जो भी हथियार प्रयोग में किए आएंगे कार्यक्रम में आप उनको मतलब उस पर टीक दीजिएगा, टीका उका लगा दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, बाकी दूध ही पीजिएगा। अब मैम लिसनर में चले जाएं, आपको मेरे का जवाब मिल गया। शोडी, हाय शोडी। अच्छा, एक जी सवाल मेरा एक सवाल है जी शोडी, ठीक है कि अगर दूध फट जाए तो मतलब अगर फटा हुआ दूध लिया होगा तो फटा हुआ दूध होगा तो इश्यूज आ जाएंगे ना? नहीं देखिए ये तो यदि किंतु परंतु कि ये होगा वो ऐसे मान ली कुछ और फट जाए तो हाँ मतलब, और एक बात है और सब... एक बात है सुनिए, जो लैक्टोज इंटोलरेंट बंदे होते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो कोई और ही कार्यक्रम हो जाएगा ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिसको कई बार डिस्कस किया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप टाइम पे आया करें, जरूर जरूर, और बाकी कल श्वेत पत्र रिलीज किया जाएगा, ठीक है, पब्लिश किया जाएगा, यू कैन हैव योर आंसर फ्रॉम देयर। थैंक यू, ओके, थैंक यू श्रोडी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अब रुचन भैया एक बार पन ऑफ गॉड को बनाओ स्पीकर पे, बकवास। एक सवाल आया, एक मिनट चैंप भाई, अभी हमारे पास हैं स्पीकर पे कुछ लोग तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप सवाल जब यहाँ से खत्म हो जाएंगे फिर आप लोग सवाल पूछें, आप और नहीं, आपके पास ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो बकवास राइडर सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो बाइक लेके ना गिरे, ध्यान रखें, हेलमेट लगा के चला करें आप, हेलमेट ऑलवेज, यस, कहीं भी स्वागत वाले दिन भी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मेरा सवाल ये है और मेरा अनुरोध है कि आप सोचिएगा कि भी जैसे मैं सवाल पूछता हूँ कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं
ये एडवर्टाइजमेंट जिसमें माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा मिला के बूस्ट मिला के सब पिलाती है, तो क्या ये इसी सुहागरात के दिन की तैयारी के लिए पिलाती है? जी बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा विचार। घटिया, बहुत घटिया सवाल है। और सुहागरात के दूध की बात हो रही है जी। और आज मदर्स डे भी है, तो प्लीज आप जितना बकवास नाम रखा आपने उतना बकवास सवाल है सर। आप कल वाले में आए, कल आपको कुछ, हम भी घटिया टॉपिक सोच रहे हैं कल के लिए, तो कल आपको पूरा उस पे, आप जिस लेवल पर गिरेंगे वहां तक हम गिरने की कोशिश करेंगे, आज जाने दें, इंतजार रहेगा जी। आप लिसनर में चले जाएं। थैंक यू सो मच समीर सर। नमस्कार। नमस्कार, बताएं थोड़ा, पहले माइक के पास है, थोड़ा दूध पी लें पहले आप। ओके। हाँ, मेरा ये सवाल था कि हम दूध में बॉर्नविटा मिला सकते हैं क्या? बढ़िया, कोई जवाब देना गोलू। हाँ जी जी जी, मैं जी बिल्कुल मिला सकते हैं। और जब मिलाएं तो हिलाने के लिए आप विशेष अंग का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदा करेगा। ओके थैंक यू, मतलब दूध में घोलने के लिए। थैंक यू सो मच समीर भाई, मुझे आपको बढ़िया जवाब मिल गया। डेनियल स्लॉस। रोहित, अच्छा दादा रोहित पहले ब्रैकेट में डेनियल स्लॉस, नहीं ब्रैकेट वाला रोहित है भाई। सुहागरात में दूध के ग्लास के महत्व को कई शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहिए क्या? ये सवाल लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के टीचर का है। अब लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल मेरे ख्याल से तो यूके में, और उनका सवाल है क्या इसको शिक्षण प्रणाली में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर ये राज छात्र पहले ही जान गए तो मुझे लगता है कि विश्व की जनसंख्या जो है 7 अरब से 70 अरब हो जाएगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पृथ्वी घूम नहीं पाएगी। और उत्सुकता भी नहीं बचेगी ना वो। जी उत्सुकता भी नहीं बचेगी, तो संभवतः इसको उचित समय आने पे ही बताया जाए कि ऐसा किया जाए। बात तो सही है, बच्चों को तो ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। बाय द वे चीजें रिकॉर्ड क्रॉस कर लिया है, अभी हमें 2000 श्रोता सुन रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, कोई हां श्याम भाई आप बोल रहे तो बोल रहे, आप एक साथ, आप लोग एक साथ मत बोलो और एक साथ चुप मत हो आप लोग। हाँ तो मेरा कहना कि बच्चों को ये शिक्षा ना दी जाए, ताकि चीज़ों को समय के साथ ही रखा जाए, ताकि उत्सुकता बनी रहे और थोड़ी सी ये भी बनी रहे कि क्या क्या होगा। अगर पहले ही पता चल जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा फिर बच्चों को। अच्छा, हमारे बीच उम्र हमारे बीच मिस्टर बी। और दूसरा एक एक सवाल है, एक सवाल है एक सर का, कि अगर केसर ना हो दूध में मिलाने के लिए तो क्या विमल डाल सकते हैं? उनसे प्लीज आप कहें कि शुरू से सुने और ध्यान लगा के सुने, इन सब ये सब बातें यहाँ कवर हो चुकी हैं बार बार, बाकी बिजनेस का समय बर्बाद हो रहा है। मिस्टर वी आए हमारे साथ, रियल मैड्रिड फैन, सर बताएं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उस स्थिति में मैं दूध के अलावा कुछ और पी सकता हूँ क्या? इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन आप आए हैं स्पीकर पे तो प्लीज, बाकी मोरनी आप ही बताएं, मेरे ख्याल से आप ही से सुनना है ये, आप बता दें इनको। क्या सवाल है जी, सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो दूध का कोई सब्स्टिट्यूट है उस केस में? जी आपको नट एलर्जी है? नहीं। तो आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, हम बात भी तो इसी मिल्क की कर रहे हैं कि दूध के साथ साथ उसमें आलमंड नट्स और सैफ्रॉन मिलाना है, तो आप डायरेक्ट आलमंड मिल्क और उसमें थोड़ा सा वॉलनट पाउडर और सैफ्रॉन मिलाकर अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ओके मिस्टर वी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, सब वाइब है, बताएं मैम, मूव आपका तो मतलब आपने जो लगा रखा है, मैम बताएं। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे मोरनी जी ने बोला, अगर रंगारंग कार्यक्रम की इमरजेंसी पड़ गई हमें और अगर हमारे पास दूध नहीं है तो मिल्क प्रोडक्ट्स चलेंगे? जैसे कि थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, सवाल दिमाग में क्या आपके पास? बटर, मलाई, मिल्क प्रोडक्ट। जी हम लोग लुब्रिकेंट की बात नहीं कर रहे, नहीं पीने के लिए, फॉर परफॉर्मेंस पर्पसेस ओनली।
पनीर पनीर कैसे कोई पिएगा? खैर कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं। बटर थोड़ी ना पिया जाता है। वो ऊपर जो लिंक शेयर किया है उनमें हमका क्वेश्चन बता दूं मैं एक बार आई थिंक वो बटर मिल्क की बात कर रहे हैं। बटर मिल्क चॉकलेट रसगुल्ला छाछ होती है ना छाछ, हां बटर मिल्क, बटर मिल्क की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा मैंने सिर्फ बटर सुना, बट जैसे वेदिका जी ने बोला था वैसे चॉकलेट मिल्क चॉकलेट या फिर ऐसी कुछ रसगुल्ला वैसी चीजें यूज करो। सब वाइब है हम लोग इस बारे में बात की थी। देखिए दूध का सबसे कोई बात नहीं, दूध का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, खासकर इस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर हमने लिख रखा है वहाँ के लिए दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी इच्छा है आप फ्लेवर चेंज कर सकती हैं, चॉकलेट वगैरह स्ट्रॉबेरी वनीला ये सब कई जगह आ रहे हैं, उसका आप समझ लें उस हिसाब से, लेकिन सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। दूध तो होना ही चाहिए, बेस जो है वो दूध होना ही चाहिए। वो अविलिप्सा जी पूछ रही है कि दोनों अगर ड्रंक हो तो क्या करें? सो जाए, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बताइए वेदिका मैम, ये अनुभव से निकला हुआ जवाब है तो। अरे ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि दूध को दारू से रिप्लेस ना किया जाए। लिप्स मेरा एक सवाल था। हाँ मैम पूछिए। मेरा एक सवाल था, हाँ हाँ पूछिए, कि अगर किसी को दूध ना पसंद हो तो फिर वो क्या करे? फिर कार्यक्रम नहीं हो सकता या फिर कार्यक्रम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना अगर उन्हें दूध नहीं पसंद। रुचन भाई जवाब, तो क्या उन्हें नाक बंद करके पी लेना चाहिए? मम्मी जैसे पिलाती थी वैसे, क्या दूध नहीं पसंद तो फिर क्या, या तो जबरदस्ती पीना चाहिए या फिर कुछ और पीना चाहिए? रुचन भाई आप प्लीज जवाब दें इसका। देखिए मुझे लगता है जैसे अभी पहले भी बात, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद है तो उनकी माएं उसमें चॉकलेट फ्लेवर मिला देती हैं और तरह तरह के उपाय करती हैं कि बच्चा दूध पी ले, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि ये दूध पीना जो है सब हमें लगता है कि इट्स काइंड ऑफ आइस ब्रेकर बिटवीन टू पीपल, सो यू इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। बट अरेंज अगर लिप्स डोंट लाई एक्चुअली, क्या अगर अरेंज मैरिज भी हो रही हो? आप तो मतलब आपको देख के लग रहा मुझे आप ये अभी टिकटॉक जनरेशन है आप, तो अरेंज मैरिज भी होते थे पहले, आपको अगर पता हो डायनासोर एजेस में, तो उस समय अरेंज मैरिज होते थे तो वहाँ पे समस्या की हम बात आइस ब्रेकर क्या होगा मियां बीवी में बात करने के लिए, तो कम से कम आधे घंटे की चर्चा ये भी हो सकती है कि यार बहुत बदबू करता नहीं पी पाऊंगा दूध, नहीं पी पाऊंगी दूध, तो यहाँ से बात शुरू हो जाएगी फिर आपस में वो जो भी करना है मतलब स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा एक और सवाल था जी। तो ये दूध खाली सुहागरात के टाइम पे कार्यक्रम से ऐसा क्यों, दूध सिर्फ सुहागरात पे क्यों, बाकी टाइम पे क्यों नहीं? गुरु बताएं। हाँ ऐसा है मैम कि बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गृह प्रवेश होता है तो आप नारियल फोड़ती हैं, उसके बाद बार बार नारियल फोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसी प्रकार आप जो है ये पहली बार है तो आपको के अंदर ये है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़े वो जो बड़ा अच्छा रहे। रुचन भाई म्यूट कर लें प्लीज, तो मुझे लग रहा है कि ये उत्तर से आप संतुष्ट हो जाएंगे। गृह प्रवेश लिप्स में हम सब समझ रही हैं, नया घर बनने के बाद जब उसमें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप लिस्टनर में आ जाएं। अक्षय खन्ना जी, साक्षात अक्षय खन्ना जी आए हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा रहा इन पे। हाँ सर बताएं, दूध में अश्वगंधा पाउडर मिलाने से क्या ताकत में कितनी बढ़ोतरी होती है? अश्वगंधा पाउडर ग्रेट, एकदम जैसा क्वेश्चन। हाँ टीपीआई सर ही बताएंगे और मैं इस पे एक लाइन जोड़ दूं, जैसा जैसा डीपी है वैसा ही सवाल है सर आपका। डीपीआई सर बताएं फसी भाई प्लीज। मैं उत्तर देना चाहूंगा, देखिए अश्वगंधा में अश्व मिला होता है। फसे उसे आप बताएं, आपसे सवाल था ये। नहीं गोलू मुझे लगता है वो अश्व दौड़ जाएगा ना तो आप कार्यक्रम स्थल से आगे निकल जाएंगे। गोलू तो अश्वगंधा का गोलू मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा चीजें मिलाएंगे तो शायद दूध अंदर जाने से पहले आपका दूध बाहर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्या साहित्यिक तरीके से, हाँ साहित्यिक तरीके से जवाब दिया इन्होंने। अक्षय खन्ना जी अश्वगंधा रहने दीजिए आप,
काजू बादाम क्रिस्पी, काजू बादाम किशमिश केसर पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलाएंगे तो पहले दूध आपका निकल जाएगा। और आधी गोली मैं बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें गति का नहीं, मतलब आप कितनी धीमी गति से अपना रेस पूरा कर रहे हैं इस पे जोर दिया जाता है। तो अश्वगंधा से आपकी गति तेजी होगी और कहीं आप कार्यक्रम स्थल के बाहर चले गए तो फिर दुर्घटना होने की संभावना है। बात कर रहे हैं ना आप स्किल। जी जी जी, मतलब इसमें जैसे वो कहते हैं ना स्लोअर द बेटर, वो वाली चीज मैं इनको। अच्छा भाई आप मेरे का जवाब मिल गया आपको, आप आ जाए। सरफी क्या बढ़िया, इन्होंने डीपी भी लगाई है, इनको बहुत जरूरत है दूध की। बताएं सर सवाल, बताएं भाई बाबा ग्लोकल जी। जी जी जी, तो ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, प्लीज हंसिएगा नहीं। नहीं नहीं, कोई आंखें सी टॉपिक पे कोई नहीं हंस रहा सर, आप प्लीज बताएं। अरे 70 सालों से हंसा नहीं हूं मैं, 70 साल हो गए हंसे हुए महाराज। अरे वाह अरे वाह। अच्छा तो मेरा सवाल है, मुझे हिंदी में मास्टरबेशन को क्या कहते हैं वो नहीं पता। हस्त मैथुन, हस्त मैथुन, हिलाने क्या कहते हैं, मोरनी भी जान रही है, बताएं मोरनी के बारे में। हस्त मैथुन, I'm sorry, one at a time, I can't hear you. क्या बोल रहे हो आप? हस्त मैथुन। हस्त मैथुन, अच्छा तो हस्त मैथुन से पहले भी दूध पीने का रिकमेंडेशन है कि नहीं? नहीं मैं बता दूँ, नहीं नहीं मैं बताऊँ आपको, ये रिकमेंड नहीं करेंगे। और चूंकि आपको हिंदी की नॉलेज कम है तो आप एक काम करिए, आप जब हस्त मैथुन आपको करना हो तो उसके पहले कम से कम 108 बार हस्त मैथुन इस मंत्र का जाप करिए, तो आप बिना हाथ लगाए ही आपका मैथुन क्रिया हो जाएगी। आप बिल्कुल इसको गिव इट अ ट्राई। अरे मैंने कहा था आपसे कि मेरा सीरियस क्वेश्चन है, आप मजाक नहीं। एक मिनट सर, सरफी सर पहले हम बताते हैं, टॉपिक ही दूसरा है और आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, इसके लिए बाद में फिर बात कर लेंगे। सवाल सरफी सर, आप देखिए अज्ञानी जी प्लीज एक बार फिर से अनाउंस कर दीजिए कि हम लोग सेक्स के रिलेटेड सवाल नहीं ले रहे हैं। नहीं बट सुहागरात का मतलब क्या है, सेक्सी तो होता है ना उसमें, सर ऐसा उसका मतलब क्या सर है? पहली रात होती है वो, हाँ, वो तो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि सेक्सी। रुचन भाई ने चेस खेला था, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। नहीं नहीं मैं बताऊँ, मतलब हवाई फाई आप करते क्या हो सुहागरात में? अब देखिए हम तो कैरम खेलते। नहीं नहीं सारफी भाई मैं बताऊं, देखिए हवाई फायरिंग को निशानेबाजी की प्रतियोगिता नहीं कहा जाता है। जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं रहेगा तो उस प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास निश्चित रूप से लक्ष्य नहीं होना समझ चाहिए पाएंगे मेरे ख्याल से। इनको मेरा जो इंटेंशन था वो मजाक का नहीं था, आप मुझे सीरियस सवाल का सीरियस जवाब दीजिए। जब हस्त मैथुन करते हैं तो दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तब आपके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है ना, आप आधे सेकंड में भी कर लो, एक सेकंड में भी कर लो, 10 मिनट में भी करो, आपके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं। प्लस उसमें से कितने स्पर्म्स निकलते हैं, उसमें से कितने मोबाइल हैं नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो उसके लिए कोई दूध पीने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेद। अच्छा सी दिस इज द काइंड ऑफ आंसर एग्जैक्टली दैट दैट्स व्हाई सी इज अ स्पीकर। थैंक यू सो मच बाय। हालांकि सारे लिसनर को फिर से बता दूं, सवाल आप प्लीज इस पे करें सुहागरात में दूध के गिलास के महत्व के बारे में। अपनी पर्सनल समस्या आप बाद में कर लेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं काफी नवयुवकों के टीएल देख के आया हूं, तो बहुत सारे सवाल हैं पर वो पूछना नहीं चाह रहे हैं यहां पर आकर, शर्म आ रही है उनको। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए यहाँ पर सवाल पूछिए, हम लोग बहुत ही सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, आपके सवालों को गौर से सुना जाएगा और जवाब देने की कोशिश की जाएगी जी। और कोई कोई आपको मेरे को भी, कोई जज नहीं करेगा। मेरे को भी बहुत सारे डीएम और मेंशंस आ रहे हैं, तो मैं लेते हैं सबका सवाल लेते होस्ट, हैं होस्ट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज वाली डिस्कशन को कल भी जारी रखा जाए, ये काफी वैश्विक मौका मिल सके, काफी वैश्विक मुद्दा है। एसएचआर मैम बताएं। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि अगर शादी से पहले काफ़ी बार कार्यक्रम कर लिया है तो शादी होने के बाद सुहागरात के टाइम दूध पीना ज़रूरी है कार्यक्रम करने? वेदिका मैम इसका आंसर मैं देना चाहूँगी। हाँ जी हाँ, अगर शादी से पहले बहुत बार आपने रंगारंग कार्यक्रम कर लिया है और शादी के बाद आपको हम लोगों ने सबसे पहले ही ये प्रस्ताव रखा था कि दूध का ग्लास सिम्बॉलिक है, ये
एज एन आइस ब्रेकर यूज होता है. सो ऐसे बात नहीं है कि ये सिर्फ स्फूर्ति वर्धक है, ये सिर्फ काम वर्धक है. इसको हम बहुत से अलग अलग मायने पहले ही दिए गए, इसीलिए कहा जाता है कि स्पेस शुरू होता है तो शुरुआत में भी आ जाया करिए, ताकि आपके सवाल के जवाब पहले ही जो प्रस्तुत है वो आप पहले ही जान सके. सो हाँ, शादी के पहले दूध का ग्लास का महत्व है. आप में भले ही कार्यक्रम पहले कर चुके हो, पर दूध का ग्लास जरूरी है. अच्छा ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. कौशिक राव सर, कौशिक भाई आप पूछिए कुछ सवाल. हेलो, मेरा माइक ऑन है क्या? हाँ एकदम आवाज आ रही है. जी हाँ, ऑन हो गया. जी जी, तो मेरा सवाल ये था कि अगर मुझे सारी रात कार्यक्रम चलानी है तो उसके लिए कितना दूध पीना चाहिए? सारी रात मतलब चेस खेलना पार्टनर के साथ, तो हाँ, तो उसके लिए कितना दूध जरूरी होगा? बोलो भैया, सुझाव देना. मैं सुझाव आपको ये देना चाहूँगा. जी, माइक म्यूट कर लीजिए. जी जी, ये देना चाहूँगा कि आप कार्यक्रम स्थल तबेले पर रखें कि जब जरूरत पड़े उतना दूध आप तुरंत पा जाएंगे. तबेला समझते हैं आप क्या होता है? जी सर बिल्कुल, हम बिहार से हैं, तबेला तो समझ में करेंगे. तो फिर कोई बात ही नहीं है. फिर तो तबेला और वहाँ पर मतलब जो बर्तन है जरूरी गर्म करके पीना पड़ेगा ना. ठंडा दूध पियेंगे तो वेदिका मैम बता चुकी हैं कि ठंडा दूध है. आप अपना सवाल आप ये लिखने के बजाय ट्वीट में कि आप माइक दो, मेरे को माइक दो, आप सवाल भी लिख सकते हैं वहाँ पे. बाकी जिनको जितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं माइक सबको मिले. हाँ बुलाओ रुचन भाई, अगला स्पीकर बनाइए कोई. कौशिक भाई का सवाल खत्म हो चुका है. हाँ सुब्रा मैम, अगले मैम बताइए. सुब्रा मैम दूध ही पी रही है डीपी में अपने, बताए मैम. राइट, सो जैसा SHR बोल रही थी पहले कि कार्यक्रम हो चुका है बहुत बार, ठीक है. अब एज मोरनी सेड कि आइस ब्रेकर होता है, तो देर इज दिस थिंग पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो क्या तभी भी तो एक ही ग्लास? अच्छा अच्छा, पॉलीएमरस का मतलब एक से ज़्यादा लोग? नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं, मगर इट्स लाइक सबका एक दूसरे के प्रति यू नो आप लोग कोशिश करिए कि गाय या भैंस जो भी जिसका भी दूध आप पीना चाहते हैं वो रखिए आस पास, ठीक. तो आप लोग गांधी जी बकरी रखते थे, बहुत पावरफुल. हाँ बकरी भी रख सकते हैं, मतलब जितने ज्यादा लोग हों, मतलब आप उतने उनके थन यूज कर सकते हैं. जितना दूध आपको चाहिए निकालते रहिए, पीते रहिए. सुब्रा जी मैं जवाब दूंगा आपको. और ये देखिए, ये जो व्यवस्था है पॉलीगेमी वगैरह वाली, तो उसमें ये रचनात्मक लोगों का बड़ा ही योगदान रहता है. तो आप क्या करिए, कार्यक्रम स्थल पे गुब्बारे बांधिए, और गुब्बारे ऐसे बांधिएगा जिसमें दूध भरा हो. और जैसे अलग अलग लोग हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार एक एक गुब्बारा फोड़ेंगे और उसमें से दूध निकलेगा, दुग्धपान करेंगे और परफॉर्मेंस देंगे, तो संभवतः ये बड़ा ही अच्छा रहेगा. आप नहीं, बट इंडिया में तो होता आ रहा है ना बहुत टाइम से. लाइक अगर सोचेंगे अपन, मैं सबको एक बात बोल दूं कि मुझे अभी तक पॉलीग्रामी लग रहा था कोई कोडिंग लैंग्वेज है, लिटरली बता रहा हूं मैं. थैंक यू सो मच, मेरा ज्ञान बढ़ा थोड़ा सा आज. थैंक यू सो मच. अज्ञानी पॉलीग्रामी का दो मतलब होते हैं, बाद में डिस्कस मॉर्निंग हम कर लेंगे डिस्कस प्लीज. ठीक है, हमें जानना ही नहीं है ना, तो वो हमने जितना सुब्रा ने बताया उतना हम जान चुके. मेरे लिए कोडिंग लैंग्वेज है भाई. आई है सुरभि जी, बताएं. सुरभि मैम प्लीज. वीगन लोगों का बताइए, वीगन लोग क्या करें? पालक का पत्ता घोल के पीना है ये, और अथवा ये भी कर सकते हैं कि एक दूसरे का अंगूठा चूसे पैर का, तत्पश्चात कार्यक्रम में आगे बढ़े. हाँ, मतलब ये बिल्कुल मानने वाली बात है. जैसे एक कहानी सुना दूं मैं बुल्ला भाई. देखिए बहुत बड़े डॉक्टर थे US में, ठीक है. ये तब की बात है जब ये कैंसर की कोई दवा नहीं थी. तो उन्होंने क्या किया, विल पावर बस टेस्ट करने के लिए उन्होंने 10 मरीजों को एक अलग कमरे में और 10 मरीजों को एक अलग कमरे में रखा था, और दोनों को एक उसमें बॉटल में पानी भर के दिया और बोला कि 10 लोगों को बोला एक कमरे वालों को कि ये बहुत बेहतर दवा है, सबकी कैंसर ठीक कर देगी, ये पहले हमने आजमा लिया, और 10 लोगों को बताया पानी है, लेकिन डेली इसको दो दो ढक्कन पीना है.
10 दिन बाद जिन लोगों को ये बोल के वो पानी पिलाया जा रहा था कि ये कैंसर का ये इलाज पक्का कर देगा, वो बढ़िया हो गए थे, वो बेहतर हो गए थे पहले से, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी। तो इट्स ऑल अबाउट द विल पावर। अगर आप अंगूठा चूस रहे हैं, आप मन में मान के चल रहे हैं कि आप दूध ही पी रहे हैं, इससे वो आपके पावर बढ़ेगी, ये स्टेमिना आएगा आपको, इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दैट ओनली। प्लेसिबो मिलेगा। अरे इसके ऊपर तो पूरी मूवी बन चुकी है ना, मेड इन चाइना, मनोदशा है केवल ये। ये रशियन है, रुचियन है जो, मैम प्लीज बताएं, रुचियन मैम। वेदिका दवाई के बारे में कुछ बताएंगे? अगला सवाल वेदिका सर से करवा लेते हैं। रुचियन मैम प्लीज बताएं। हेलो रुचियन जी। ओके, के भी स्पीकर है, आप पूछिए। हाय। के के बाद केला क्यों लगा आपके नाम में मैम? केला नहीं है, वो मून है। अच्छा ओके सॉरी, आपको कैसे नहीं पता यार? वो एक केले की तरह लग रहा है, मैं लिटरली उनकी दृष्टि में थोड़ी सी कमी है, आप उनका बुरा मत मानिए। अरे मैम एक मिनट पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें बुरा वो के लिखा है, फिर आगे वो ऐसा बना था, आई थॉट इट इज, खैर कोई बात नहीं, आप प्लीज बताएं मैम। हाँ, मुझे सिर्फ एक सवाल था, आपने ऐसा बोला कि आप मलाई यूज़ कर सकते हो ड्यूब की तरह, मुझे सिर्फ यही सवाल था कि फिर रात को चीटियां नहीं चढ़ेगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए जैसे बच्चे होते हैं ना, हाथ में मिठाई खाते हैं तो उंगलियां चाट डालते हैं, तो संभवतः वो प्रक्रिया आपको करनी चाहिए, मलाई लगाएं तो उंगली ज़रूर चाट लें। वाह बोलो, क्या बढ़िया बढ़िया जवाब है आपके। हाँ मैम बताएं, आई थिंक आपको जवाब मिल गया, संतुष्ट भी लग रही हैं आप। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू के। अभी कोई वहां रिक्वेस्ट कर दो जिनको आना हो सवाल लेके। अब अच्छा, बार बार कम से कम हो गए हो तो डीएम ले ले, हम कम से कम 10 ट्वीट है मेरे पास, ये पूछ रहे हैं कि विच मिल्क टू यूज। तो मैं बता दूं कि यूपी बिहार में छेगड़ी कहा जाता है बकरी को, ठीक है, तो छेगड़ी का दूध यूज करें आप, ये पहले ही क्या कहते हैं, गांधी जी ने पहले ही उसको अप्रूव कर रखा है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मुझे भी ऐसे ही बहुत से ट्वीट आया जिसमें एक सवाल ये है, सवाल कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि गुनगुना दूध होना चाहिए जो आपको आप जबान को जलाए ना। अब ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि आप कितना गुनगुना दूध पी सकते हैं। खुश मैम, आप ईश्वर कर रहे हैं हमेशा आप खुश रहें, बताएं। हाँ जी, तो मुझे एक सवाल पूछना था, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज आज डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एक सुहागरात में एक लड़का और एक लड़की है और उन्होंने सोचा कि हमें कुछ नया ट्राई करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, और उन्होंने सोचा कि हमें आज पेगिंग ट्राई करनी है, तो उस केस में लड़की दूध पिएगी या फिर भी लड़का दूध पिएगा? खुश मैम एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये इतनी टर्मिनोलॉजी पता नहीं है हमें, हम 90s वाले हैं हम। अच्छा, पेगिंग आजकल है कि उस केस में क्या होता है, लड़की एक स्ट्रैप ऑन यूज करती है और इंस्टेड ऑफ कि लड़का एंटर करे लड़की को, लड़की एंटर करती है एक लड़के को। अच्छा, ये 2000 में, ये 2000 में कोई यहां पर रोकना चाहेंगे? ये 2000 जी, हम यहां पर आपको रोकना चाहेंगे। ये 2000 वालों के लिए कोई नई डिक्शनरी आ गई क्या, ये सब करने से पहले इतना पढ़ना लेना? अज्ञानी आप रहने दो, आपको मैं समझा दूंगी ये क्या कहना चाहती है। मैं यहां पर ही खुश जी को रोकना चाहती हूं। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करके रखा है कि हम जो आप प्रोसेस बता रही हो, हम उसके पहले की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, उसमें क्या करना है उसकी बात नहीं कर रहे। किस दिशा में जा रहे हो यार तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो? करो या लोहे का सलिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो मेरा क्वेश्चन दूध को लेके ही है कि अब इस केस में लड़की दूध पिएगी या फिर लड़का दूध पिएगा। अच्छा, ये सब टर्मिनोलॉजी, अरे मोरनी मैं जनरली एक सवाल कर रही हूँ, टर्मिनोलॉजी आ कहाँ से रही है, किसने पढ़ाया, मतलब कितने, अरे ये आजकल के बच्चे आधुनिक हो गए, ये कार्यक्रम में बहुत से खिलौने का भी प्रयोग करते हैं जिसमें से स्ट्रैप ऑन एक खिलौना है।
स्ट्रिप ऑन मतलब हथकड़ी टाइप में जो होता है। जी नहीं जी नहीं जी नहीं गोलू जी नहीं रोशन भाई गोलू मत पूछ। 6 इंच का डंडा होगा गोलू भाई, मेरे को एक बहुत टाइट पड़ेगी आपको। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है जो लंगोट के ऊपर बांधा हुआ है। मोरनी तू चुप हो जा थोड़ी। मेरे को एक अनाउंसमेंट करना है कि जो दूध शब्द है वो इस समय इंडिया में 13वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, तो आप लोग डिस्कशन को आप अरे ग्रेट ग्रेट और भी खुश। मैम आप मोरनी को डीएम कर लेना या गोलू को स्टेप ऑन के लिए, ठीक है। और मैं फिर भी ये 2000 वाली जनता को जितने बच्चे हैं इनको मैं बता दूं, ये मतलब ऐसे नॉलेज ना लें, उसको एंजॉय करें आप। वो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, एडवेंचरस चीज़ नहीं है कि इस तरीके से एडवेंचर आप करें। हाँ साइना मैम बताएं। हाँ मेरा सवाल था कि ये जो दूध की प्रथा होती है वो हम फॉरेनर्स को भी रेकमेंड करें या सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही अच्छा होता है? जी ये तो वैश्विक ज्ञान है, सबको बताओ। गोलू थोड़ा इस पे। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा। हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ कि ये इसका प्रचार प्रसार सब जगह हो, जैसे हमारे चीनी भाई बंधु हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी और तमाम चीज़ें, और अफ्रीकी जो भाई बंधु हैं उनका जो है थोड़ा सा जब समझ में आएगा कि उनकी बहुत सारी चीज़ें हद से बाहर हो जाती हैं, तो लिमिट में रखेंगे और सबका कल्याण होगा इसमें, सबको एंजॉय करेगा। अच्छा हमारे मोरनी एक मिनट 3156 हो चुकी है, तो सबका मैंने, मैंने 2-3 ट्वीट शेयर किए हैं, कृपया इनके जवाब दे दें। यार डुगू किसी को दिख रहा है तो मुझे जरा बताओ किधर है। हाँ मैं बोलता हूँ, और बाकी मेरे पास कुछ वो मेंशन आ रहे हैं कि आप लोग किसी का मजाक मत उड़ाएं, तो मैं पहले बता दूं, और जो भी जिसने जिसको भी ये लग रहा हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं मैं बता दूं, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो क्षमा प्रार्थी हम उसके लिए। हाँ जी हाँ जी वेदिका मैम ने कुछ सवाल पूछ लिए जाए फिर आप पढ़ते रहिए। कौन बिंग बॉन्ग? अच्छा सॉरी सॉरी जी आप सवाल पूछें। बिंग बॉन्ग स्टैंड अकाउंट ओके। हाय फैनिस्ट्रेटर थैंक्स। यस दैट्स मी। हाय हाय तो मेरा सवाल था कि आजकल यू नो सब बहुत डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अगर उसमें कोई कीटो डाइट फॉलो कर रहा होगा तो वैसे कीटो डाइट फॉलो कर रहा है तो दूध पीना मना है, और अगर सुहागरात भी बनानी है कीटो डाइट फॉलो करना है पर दूध नहीं पीना है तो इस समय क्या कर सकते हैं? बोला ना पालक का पत्ता घोल के पी लो। वेद का मैम थोड़ा आप प्लीज बताएं इनको। फिनिस्टर हेलो वेद का मैम यू देयर? हेलो हां हां आप कीटो पे हो तो आप ऑलरेडी बहुत वीक हो ओके, बिकॉज वो आपके अंदर एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आपके अंदर एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, इसलिए आप उसकी वजह से आप वेट लूज करेंगे, ये आपको मैकेनिज्म पता होगा शायद। तो आपके अंदर वैसे भी एनर्जी नहीं होगी, तो अगर आप वो फॉलो करते रहेंगे तो परफॉर्मेंस पे वैसे भी काफ़ी असर पड़ेगा। पर नहीं तो, मुझे अगर कीटो डाइट भी फॉलो करना है और सुहागरात भी बनानी है, ऑप्शनल नहीं है, दोनों में बहुत कमिटमेंट है मेरा, तो इस टाइम देखिए बिंग बॉन्ग भाई मैं नहीं नहीं मैं आपसे पूछूंगा। देखिए दो चीज़ें एक साथ प्रायोरिटी पे नहीं हो सकती हैं। अगर आपके सामने बूथ हो और कोई और मौका हो तो आप दो में से एक ही चूज़ करेंगे ना, रास्ता दो जगह जाना है, दोनों रास्ते पे एक साथ कैसे जाएंगे और दो नावों की सवारी करेंगे तो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट। कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, या तो आप कीटो के लिए त्याग करिए या त्याग के लिए कीटो करिए, तो आपको ये थोड़ा जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। और मैं यही कहूँगा कि कीटो का आप त्याग करें, क्योंकि जो कार्यक्रम आप करने की सोचेंगे तो उसमें नमक की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी जी जी, तो संभवतः समस्या हो सकती है। नहीं पर मेरा एक ही सवाल है कि कीटो में जब यू नो व्हेनेवर एनीवन्स ऑन कीटो तो कीटोसिस करके एक प्रोसेस होती है, सो रेगुलर से कीटोसिस में जाने के लिए 14 या यू नो 15-10 दिन लगते हैं, सो अगर आप देख रहे थे कीटोसिस के 14 दिन तो इस समय में क्या करें, ये मेरा सवाल था। जी देखिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो आप कीटो का पालन करिए और 15 दिन बाद जो है कीटोसिस के बाद आप तगड़े हो जाइए और 15 दिन की कसर उतार लीजिएगा।
हाँ, पर एक बार अगर दूध की लत लग गई तो छोड़ना भी तो बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए त्याग, त्याग देखिए बात यही चल रही है, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा वैदिक, हाँ थोड़ा योगिक और वैदिक ज्ञान भी लें। अरे मुकम्मल जाम है क्या कहे, ये सबको कुछ नहीं मिलता, किसी को चांद नहीं, किसी को जमीन नहीं मिलता, इस तरीके से वो कौन सा ये ऊपर वैसे भी हाँ एक चॉइस तो करना। ये ऊपर जो अभी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये हुसैन है ड्राई, इनके नाम में ही है ड्राई है, ये दूध का प्रयोग नहीं करते, उनको परेशानी हो रही है हमारे स्पेस से, तो उनके नाम में भी है ड्राई है, तो आप समझ लें वो दूध नहीं प्रयोग कर पाते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा मलाई वाला दूध पीने के लिए। और थैंक यू सो मच। अच्छा अभी हाँ मेरा एक आखिरी सवाल जी, देखिए साल तो 2021 है, यू नो सैक्रिफाइस करना तो पुरानी बात होगी ना, 2021 में तो सब चल जाता है, तो ये क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ जान से सैक्रिफाइस कर रहे हैं महाराज, आप कहाँ पे हैं? कोविड से लोग कोविड में आ रहे हैं, पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, आप 2021 पे आके अटक गए। बिल गेट्स जिसने आपको कीटो डाइट पे उतारा है, आप उसी से पूछ लीजिए मैं कैसे परफॉर्म करूं, वही न्यूट्रिशनिस्ट होगा ना आपका, शिवानी मैम नमस्कार। क्योंकि आपने थोड़े टाइम पहले बोला था कि दूध लेना सिंबॉलिक है, और फिर उसके बाद आप लोग इतना स्पेसिफिक्स में डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसके अल्टरनेटिव्स, सो इज इट रियली सिंबॉलिक या फिर मतलब, हमने शुरुआत की थी, शुरुआत सिंबॉलिक से है, मतलब आइस ब्रेकर है, अगर हमने रखा है दूध बात की ये वार्तालाप के शुरुआत के लिए, तो हमें प्रॉपर टेम्परेचर पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट के साथ तो रखना पड़ेगा ना, हम अगर और का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी तो नहीं उठा सकते। और पता नहीं क्यों सवाल के बाद मेरे दिमाग में एक बात है कि मैं ये जाहिर कर दूं कि ये दूध जो है वो राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है, वो सबके लिए है, ये वैसे ही मैंने मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि मैम आप पूरी बात, शिवानी मैम आप पूरी बात सुने प्लीज, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा इसको लेके, मैंने एक बात कही कि मुझे लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए। शिवानी जी देखिए आदमी चलता है तो कुछ लोग दायां कदम पहले बढ़ाते हैं, कुछ बायां, वो उनके ऊपर होता है, तो ऐसे ही है कि अगर आप इसको फॉलो करना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहती तो ना करें, लेकिन अगर करते हैं उसमें अगर आपको कुछ डाउट है कि अगर हम दूध वाला ग्लास का सिस्टम फॉलो करते हैं और फिर कुछ समस्या है, तो हम लोग बस उसके लिए हेल्प कर रहे हैं कि कन्फ्यूज़न है तो दूर कर दें, बाकी तो बिल्कुल अपनी श्रद्धा है। आप मेकअप करते हो तो पॉन्ड्स से कोई ऐसी चिपड़ थोड़ी लेते हो, आप वो आई लैशेस भी लगाते हो, आईब्रो भी बनवाते हो, मतलब सिर्फ पॉन्ड्स लगा के मतलब सुंदर थोड़ी दिखता है ना, तो इट्स नॉट सिम्बॉलिक, इट हैज अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग। I did not understand your comparison, but ठीक है, thank you so much for helping everybody out. Okay, आपको क्या समझ में नहीं आया? हम किसी को ऐसे निराश निराश नहीं जाने देते. No, I'm not disappointed. I thank you so much. नाराज ना होके जाएं आप लोग, ये मतलब हम आपके घर के सुहागरात का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्दी डिस्कशन है, बुरा मत माने इसको आप। अच्छा मैं एक मिनट खाना सर, उससे पहले एक बात बोल दूं, अपने बहुत बहुत बड़े दोस्त हैं, बढ़िया बढ़िया हैंडल हैं, फनी सिंह सर, उन्होंने कहा कि शायद यहाँ IMA इससे विचार भी कर रही है कि कोविड में कोविड दूध वैक्सीनेशन शुरू करने की, यो फनी सिंह ने ये अभी मुझे DM करके बताया है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि जो लोग मांग रहे थे ना LGBT कम्युनिटी की तरफ से कि क्या दूध ऐसे प्रयोग करना चाहिए, तो मेरे को मतलब एक रिसर्च से पता चला है कि काना भाई कोको आ गई है। अच्छा कोको मैम, अरे बस आप कर लें, भावुक हो जाते हैं काना सर, आज पहली बार नहीं है सर, आप बताएं प्लीज। हाँ तो LGBT जितने भी मतलब साथी गण है वो क्या कर सकते हैं कि पहले दूध पी सकते हैं और फिर उसके बाद में अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया मतलब उनके पास ताकत भी रहेगी ताकि वो यू नो पैदल भी जाना हो तो पैदल जा सकते हैं साइकिल के साथ,
ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट सर। कोको, हाय कोको जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी कोको, नमस्कार, बताएं। नमस्कार, हेलो, बोलें बोलें। हाँ, मेरा सवाल ये था कि कार्यक्रम से कितने वक्त पहले दूध का सेवन किया जाना चाहिए? आपको तो मैं बताऊं, बंदी कर, मैं बता रहा हूं आपको, तो पहले दफा 326 में बंदी बनाना चाहिए। कोको, फोटो आप कोको का लगाए? नहीं जी, फोटो तो टेलर का है, मगर कोको का निकल, फोटो तो टेलर का है मगर मैं लड़का हूँ। वही वही सब 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 फोटो कोको कोको का निकल लगाए हैं, अब बोल काका रहे, बड़ी समस्या होगी। अब सवाल करें कोको सर, काका जो भी हैं प्लीज, अरे इनको ये बहुत पसंद होगी जो भी है, टेलर स्विफ्ट है सर, सवाल करें सर, एक बार दोबारा सवाल करें हम लोग उसी में। जी 10 से 15 मिनट पहले। हाँ, अचंभित हो गए थे कि काका का फोन। कार्यक्रम शुरू करने से कितने समय पहले दूध पीना चाहिए, आपका सवाल था, उसका जवाब है 10 से 15 मिनट पहले। और ये पर्सनालिटी के ऊपर है, अगर बहुत एक्सट्रोवर्ट आपका आप हैं या फिर आपका पार्टनर है तो तुरंत, हाँ तुरंत पी के तुरंत कूद जाएं। इन कार्यक्रम कभी हम आधे घंटे बाद आते हैं और कभी कभी पहले तो बस टाइम पास, उसके के लिए दूध कितने दिन देर पहले? तो आपको जवाब मिल गया, और बाकी जितने कोको जी के जितने फॉलोवर हैं उनको मैं बता दूं, ये काका हैं, अगर जिसने कोको समझ के फॉलो किया वो एक बार मैनेज करते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच कोको फॉर योर टाइम। आप लिसनर में चले जाएं प्लीज। हेलो अगस्त, ये पूरा टेलर स्विफ्ट का ग्रुप आ गया क्या हमारे पास? हाय अगस्त, हाय। मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ मैम, कि जैसे आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि जनरली जो औरतें होती हैं वो दूध लेके आती है, बट जैसे अगर वो दूध शेयर करेंगे तो क्या उससे मतलब बेटर परफॉर्मेंस होगी, मतलब अगर वो दोनों आधा आधा दूध पियेंगे, या फिर अगर अगर एक आदमी अपनी वाइफ के लिए दूध ला रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी आपने लगता है स्पेस पूरा सुना ही नहीं है, बात यही हो रही है कि दूध शेयर करना है। मैं आपको ये जवाब दूं, और ये देखिए ये जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको शेयर करें, आप उनका सलाइवा अपने मिलें और अपना सलाइवा उधर स्थानांतरित करें, तो ये दूध के लिए भी है, दूध जितना शेयर करेंगे आप तो बड़ा अच्छा रहेगा, और पहले से अगाध प्रेम होगा और जो प्रेम की लहर उठेगी वो आपको मतलब ऐसे ही चोट देगी कि आजीवन याद रहेगा। ये तो संभवतः ये बहुत ही हमारे डीएम में कि हम दूध के अलावा मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, तो मुझे ये समझना है कि अगर मुझे मिल्क पाउडर से अगर मिल्क नहीं बनाना, दूध नहीं बनाना, तो क्या मैं मिल्क पाउडर डायरेक्टली स्नॉर्ट कर सकती हूँ? स्नॉर्ट, अच्छा, अरे ग्रेट, कौन मोरनी आप शायद? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग शारीरिक नुकसान की ओर जा रहे हैं। देखिए जैसे सारी सारी पीली चीज सोना नहीं होती, सारी सफेद चीज आपका वही नहीं है स्नॉर्ट करने के लिए, तो प्लीज आप लोग गलत डायरेक्शन में मत जाएं। जैसे फन ऐड करने के लिए यू नो एक्सपेरिमेंट कर लिया, अच्छा बॉडी पे रख के लाइन बना के, राइट? बच्चा आपकी उम्र बहुत कम है, हम आपको बता दें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम, अरे मैम आपको मेरी उम्र कैसे पता? बुआ
आपने बुआ, आपने बुआ, अरे आपने बुआ नाम आगे बुआ लिख लिया ना पहले ही, आपने लिख लिया बुआ है। अरे मोरनी, मोरनी के सवालों का जवाब दो, वो बच्चे नहीं। गलत अनुमान के लिए माफ कर दीजिए। मोरनी कृपया पोलाइट, कृपया पोलाइट, पोलाइट और थोड़ा लो रे। स्पीकर पैनल से की तरफ से माफी। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम अलग होता है, तो आप अगर मिल्क पाउडर स्नोर्ट करेंगे तो वो आपके विंड पाइप में जाएगा, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करता है। उनको हम यहाँ पे दूध, दूध का मुफ्त वितरण कर रहे हैं। तान्या जी भी लाइन पे हैं, तान्या जी को भी मौका दिया जाए। राजेश्वर जी, तान्या जी के पास बहुत प्रश्न है, तान्या जी पूछेंगे। जी तान्या, तान्या जी को मैंने इनवाइट किया है, तान्या जी मेरा इनविटेशन स्वीकार करें। तान्या जी, एक एक करके आप जिनके पास प्रश्न है कृपया प्रश्न को जारी रखें, हम इंतजार करते रहेंगे और अपना प्रश्न तैयार रखेंगे। एक हमारा दोस्त है जैसे पीयूष करके सर, जी जी, तो उनका जैसे अभी जैसे शादी हुआ है तो मेरे को बोल रहे थे उनका बहुत कमजोरी है जैसे। देखिए वही मेरा प्रश्न पहले राजेश्वर जी से वही था कि कमजोरी किस टाइप की है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे कई तरीके की कमजोरी का निदान होता है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें शारीरिक कमजोरी है, कुछ मानसिक कमजोरी भी है और कुछ जीभ की कमजोरी भी होती है, कुछ हाथ की भी कमजोरी होती है, जो कि कुछ पोलियो के पेशेंट होते हैं उनकी उंगलियां छोटी रह जाती हैं तो नहीं कर पाते अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस। तो किस कमजोरी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? इस चीज को आगे बढ़ाइए, माइक म्यूट करके आप अपने हाथी को कंट्रोल करिए थोड़ा सा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमजोरी के पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरीके की कमजोरी की आप बात कर रहे हैं। मयंक जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि एक हमने वेब सीरीज देखी थी मिर्जापुर नाम की, उसमें था कि जब कालीन भैया को खुद को ये दिक्कत रहती है ना तो वो मकबूल का नाम लेके पूछते हैं, तो कहीं ये दिक्कत आपको स्वयं को तो नहीं है ना? ये मेरे दिमाग में भी संशय था कि ये पीयूष भाई का नाम आगे बढ़ा के ये गरम करके छोड़ दे रहे हैं। ये पीयूष भाई आ चुके हैं यहाँ पे, यम करके जो है ये पीयूष भाई है। इन्होंने पूछा है कि पीयूष जी को कमजोरी है और कमजोरी का निदान, मैंने वही स्पष्ट करना चाहा कि किस तरीके की कमजोरी है पीयूष भाई को। जी नहीं, वर्नस ग्रुप का फिर मकसद क्या होगा जब आप सब अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे तो?
भाई कमजोरी यहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन टर्म यूज किया जा रहा है, आप उसको गलत सेंस बनाते हैं। ये 16 साल के को भी हो सकती है कमजोरी, और 26 साल और 56 साल वाले को भी हो सकती है। सोलह साल में तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से अंडर वेट होते हैं, तो उसको भी कमजोरी ही बोलेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से जिनकी हाइट बहुत हो जाती है, दुबले पतले रहते हैं और काफी उम्र हो जाती है, फिर भी वो एनीमिक रहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी इसको कमजोरी ही शब्द दिया जा सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हर उम्र हर अवस्था के हिसाब से यहाँ पे कमजोरी पे चर्चा हो सकती है और हर किसी के लिए लाभप्रद होनी चाहिए। बात कर रहे थे, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो जो थूक होता है वो रात का बाकी थूक होता है, ना कि सुबह का ताजा थूक, ठीक है ना। तो आप उसको अगर यूज करेंगे तो ये ट्रस्ट एंड टेस्टेड है कि उससे काफी फायदा मिलता है, लाभदायक है काफी। जी 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 जी, तो थूक कहीं और यूज नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रेश मतलब जब सुबह उठे उसके जो थूक अपने आंखों के नीचे लगा उसके बाद बाकी कार्य किए जाए। इट कैन नॉट बी यूज्ड लाइक लुब्रिकेंट। पंकज जी हम पूछ रहे हैं कि ये जो आप सुबह सुबह का थूक बोल रहे हैं, ये अपनी नित्य क्रियाएं करने से पहले का करना है क्या, जैसे शौचालय वगैरह जाने से पहले लेके लगाना रहता है? शौचालय जाने से पहले बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले थूक का प्रयोग करें, उस थूक को लगाएं, उसके पश्चात आपको अंगड़ाइयां नहीं, आपको अंगड़ाइयां भी नहीं मारनी है, और आपको जस्ट थूक अपने मुंह में से लेना है और अपनी आंखों के नीचे लगा लेना है।